आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज के एक नए वीडियो में। प्रियो, आज एक नए वीडियो के साथ आप सबके बीच में आ चुका हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु में आशीषित, आनंदित और मगन होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक नए विषय को लेकर आप सबके बीच में आया हूँ और आज का विषय है कि बाइबल में तीन ऐसे मुख्य पाप हैं जिससे यीशु मसीह सख्त नफरत करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर उसे नफरत करते हैं, उसे घृणा करते हैं। तो आज मैं वैसे तीन पापों को विषय में आपसे चर्चा करूँगा जिससे परमेश्वर है जो घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। तो मेरे प्रियो, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आज परमेश्वर के वचन से आप आशीष को पा सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रियो, जैसा कि हम आपके सबको मन में एक ही सवाल आता है कि आज इतना संसार में, पूरी दुनिया में नाना प्रकार के नए नए बीमारी और रोग क्यों आ रहे हैं, इतने नाना प्रकार के वायरस और महामारी विपत्तियां क्यों आ रही है, लोग इतने बीमार और परेशान और इतने चिंतित क्यों होते जा रहे हैं, लोग के बीच में इतने तनाव क्यों आते जा रहे हैं, लोग इतने हैं जे एक दूसरे के साथ मेल मिलाप क्यों उठता जा रहा है। प्रियो, ये सारी बातों का जवाब है हम आपका जीवन में शैतान अशांति ला चुका है और हम लोग हैं जे परमेश्वर के वचन से दूर हो चुके हैं, उनकी महिमा से दूर हो चुके हैं, इसीलिए हमारे आपका जीवन में ये सारे बीमारी और सारे है जे प्रकार के है जे ये अंधकार की कार्य है जे हमारे आपके जीवन में हो रहे हैं। जैसा कि प्रियो, मैं आप सबको एक वचन दिखाना चाहता हूँ। रोमियो 6:23 में कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रियो, अगर हम आप पाप करेंगे तो उसका मजदूरी यही है, मृत्यु ही है, बुराई की ओर जाना, बड़े बड़े भयानक रोग ले लग जाना, शैतान ऐसा ऐसा बीमारी दे देगा कि आपको मृत्यु की ओर लेके चला जाएगा। क्योंकि हम आप सब जानते हैं कि बुरा का फल बुरा ही होता है और भलाई का फल भला ही होता है। तो प्रियो, आज जो पूरी दुनिया में ये सारी चीज़ें घट रही है, इसका कारण यही है कि आज लोग सच्चा ईश्वर से लोग दूर होते जा रहे हैं और सृष्टि के बीच में लोग है जे फंसते जा रहे हैं। जिसने संसार को रचा उसके नज़दीकी से दूर होते जा रहे हैं और लोग है जे उनके हर एक प्रकार के उनके आशीषों से दूर हैं। जैसा कि प्रियो, आज मैं आपसे तीन ऐसे पाप के विषय में बात करूंगा और मैं एक एक करके वो तीनों पाप के विषय में बात करूंगा जो तीन पाप से परमेश्वर सख्त नफरत करते हैं और वो तीन पाप जो करते हैं उनको प्रभु का आशीष कभी जीवन में नहीं आता, प्रभु का आशीष उनके जीवन में कभी नहीं उतरता। तो दोस्तों, पहला पाप है मूर्ति पूजा। हाँ मेरे प्रियो, जब आप एक मसीही हैं तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर मूर्ति पूजा से सख्त नफरत करते हैं। तो मैं आप सबों से वचन से बात करना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण 5:8-9 आयत में कहता है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में और पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर साफ साफ कहते हैं, परमेश्वर यहाँ साफ साफ बोलते हैं, सबसे पहले तो वो सख्त मना करते हैं कि तू कोई है जे मूर्ति है जे कोई फोटो को है जे किसी प्रकार से है जे न बनाना। दूसरी बातों को कहते हैं कि या तो पृथ्वी पर किसी चीज़ का हो या जल में हो, उनको है जे तू दंडवत न करना, उनको प्रणाम न करना, उनकी उपासना न करना, उनके लिए है जे तुम है जे हमेशा है जे पूजा पाठ नहीं करना। और जब ऐसा करते हैं प्रियो, तब परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला हूँ, ईश्वर हूँ,
और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी दंड दिया करता हूँ। तो प्रियो, यहाँ पे बाइबल वचन स्पष्ट बताती है कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उससे परमेश्वर है जे सख्त नफरत करते हैं, उससे परमेश्वर है जे उसको दंड देने की बात कहते हैं कि मैं उससे नफरत करता हूँ, उस पर जलन रखता हूँ और मैं उसको बेटों पोतों और परपोतों को दंड दिया करता हूँ। तो प्रियो, ये जो पाप है इस पाप से परमेश्वर सख्त नफरत करते हैं। दूसरा है व्यभिचार। प्रियो, हम आप सब जानते हैं कि परमेश्वर व्यभिचार से भी सख्त नफरत करते हैं। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर व्यभिचार के बारे में बहुत जगह इस बातों को बताया है कि जो व्यभिचार करता है वो मूर्ति पूजक के बराबर है। तो दोस्तों, जैसा कि दूसरा तिमोथियुस 2:22 कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप है जे जवानी की अभिलाषाओं, जो बुराई में जवानी की ओर लेकर चला जाता है, पाप में लेकर चला जाता है और लोग व्यभिचार में पड़ जाते हैं, उससे परमेश्वर चाहते हैं कि उससे बच के रहे, उससे भाग के रहे। और परमेश्वर चाहते हैं कि शुद्ध मन से, पवित्र मन से परमेश्वर का नाम ले, प्रभु का नाम ले और धर्म और विश्वास और प्रेम का मेल मिलाप का पीछा करने के लिए। प्रियो, दूसरी जो पाप है व्यभिचार, जिससे परमेश्वर सख्त नफरत करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके पीछे जो चलने वाले हैं, उनके बाल बच्चे हैं, ये व्यभिचार पाप से बचे रहे। तीसरा पाप है प्रियो, घमंड। घमंड भी सबसे बड़ा पाप है मेरे प्रियो, क्योंकि घमंड जो है परमेश्वर के आशीष से दूर लेके चला जाता है। जैसा कि नीति वचन 21:4 कहता है, चढ़ी आँखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय है। प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर साफ कहते हैं कि जो हमेशा है जे आँखें चढ़ी रहती है और घमंडी जो मन है, हमेशा मन में घमंड लोग करते हैं और दुष्टों की खेती जो हमेशा बुराई को लोगों को बीच में बोते हैं, ये तीनों पापमय है और इस तीनों पापमय से बचने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि इन तीनों पापमय से बचे। और जब ये तीनों पाप से नहीं बचेंगे तो प्रियो उसका जो परिणाम है जो आपका जीवन में आएगा ही, उसका रिजल्ट है जी आपका जीवन में आएगा। जैसा कि नीति वचन 6:15 कहता है कि इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। तब प्रियो, अगर जीवन में आप आनंदित रहना चाहते हैं, जीवन में आप हर बीमारी से, हर महारोग से, हर विपत्ति से, हर प्रकार के आप है जे परेशानी से बचना चाहते हैं, तो प्रियो आपको इन तीनों पाप से बचना होगा जिससे परमेश्वर सख्त नफरत करते हैं। पहला पाप है मूर्ति पूजा। परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि लोग है जे संसार के और प्रतिमा को है जे ईश्वर मान करके पूजा करें, और जब ऐसा आप करते हैं प्रियो तब परमेश्वर कहते हैं कि मैं उस जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, मैं उसके बेटों पोतों और परपोतों को दंड दिया करूँगा। दोस्तों, दूसरा है व्यभिचार। अगर व्यभिचार से आप नहीं बचते हैं तब परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसको है जे हमेशा के लिए है जे उसे मिटा दूँगा, क्योंकि प्रियो परमेश्वर व्यभिचार से भी सख्त नफरत करते हैं। तीसरा है घमंड। घमंड से भी बचना है। परमेश्वर कहते हैं करना है घमंड तो तुम मुझ पे करो, क्योंकि तुम मेरे नामों को जान लिया है। तो हमें करना है तो हमें परमेश्वर पे घमंड करना है, ना कि अपने आप पे घमंड करना है, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, जो भी है सब परमेश्वर का दिया हुआ है और उन्हीं का जे आशीर्वाद है। तो प्रियो, आज का जो 3 मुख्य पाप के विषय में आप सबों को बताया हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि वचन से प्रभु आपको जरूर बता दिए हैं।
आपने वचन के द्वारा जरूर आशीष पाए हैं। तो प्रियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें, ताकि अगली वीडियो जब भी मैं डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। मेरे वीडियो डालने का मकसद यही है मेरे प्रियो, कि आप सब प्रभु में सदा आनंदित रहें और सदा आशीषित रहें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।